हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 21, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 21st लेसन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, देखिए तीन बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। और देखिए 21 अगर आपको समझ में आएगा तो 22 रिगार्डिंग ऑफ दिस, क्योंकि 22 जो लेसन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है और ये खाली ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या है और क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है एक बिजनेस की वित्तीय स्थिति को दर्शाना कि व्यवसाय के पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें तीन अकाउंट हमें मेन याद करने होंगे अर्थात बनेंगे। सबसे पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। इन तीन पे चर्चा करेंगे इस लेसन में, ओनली प्रैक्टिकल पार्ट्स। फिर मैं बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लेसन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंस स्टेटमेंट के जो लेसन करेंगे 22 विद एडजस्टमेंट है वो इसके बिना बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए बेसिकली हमें फाइनेंस स्टेटमेंट में आज जो मैं लेके चल रहा हूँ ट्रेडिंग के रिगार्डिंग में और कुछ इलस्ट्रेशन हम आगे फिर लेके चलेंगे, तो सबसे पहले आज हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के रिगार्डिंग में। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है, इसका फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ईजिली आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम फॉर्मेट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है। प्लीज़ देखिए फॉर्मेट ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, द फॉर्मेट ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट जो कि हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 21.6 पर है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जस्ट नोट रट्टाफिकेशन। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि प्लीज़ रटे ना, अकाउंट रटने का सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज़ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से साल बना रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होगी, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, दिस साइड डेबिट एंड दिस साइड द क्रेडिट। चलो जी, ये था फॉर्मेट ऑफ द, आपको डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ईजियर तरीके से मैं बताऊंगा। अगर फॉर्मेट कहते समझ में आ गया तो हम कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस बहुत समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, इस अकाउंट में डियर स्टूडेंट्स ट्रेड माने होता है व्यापार, ING व्यापार किया जा रहा है और किसके द्वारा, और बिजनेस में कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसमें व्यापार हमारा मेन पार्ट एंड पार्सल है। तो ट्रेडिंग जो व्यापार किया जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं इस अकाउंट में मेन फोकस क्या है, ओनली परचेज एंड सेल, माल खरीदा और बेचा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस अकाउंट में केवल सेल के रिगार्डिंग और परचेज के रिगार्डिंग ही बातें करेंगे। ओके, तो चलिए क्या क्या दिखाया जाता है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग में। इधर केवल दो ही आइटम आएंगी, देखो क्या क्या, यहां 22 से वर्ड शुरू करेंगे, यहां 2 से। ओके, 22 यहां लिखेंगे सबसे पहले सेल, क्योंकि बिक्री होगी जब ही पैसा आएगा। लेस अगर सेल में सीधी है तो यहां लिख देंगे, अगर नहीं है क्या है लेस सेल्स रिटर्न, अगर वापसी हो रही है तो इसको घटाने के बाद यहां आएगा वो अमाउंट, यहां आएगा। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स, शेष रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, बहुत बताया है, शेष रिटर्न अकाउंट भी आपने बनाए हैं, तो शेष रिटर्न जस्ट लाइक रिटर्न इनवर्ड्स।
यहां फिर आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, केवल इधर दो ही आइटम आएगी और हमारा टोटल हो जाएगा। इफ एक बात है, हम देखो पॉजिटिव मान के चलेंगे, ये साइड हमेशा ज्यादा मानेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये साइड ज्यादा होगी तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो हम देखिए इसमें क्या क्या चीजें, प्लीज टू, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यहां क्लोजिंग है, यही क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक। टू परचेज, और परचेज में से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। देखो यहां सेल्स रिटर्न थी रिटर्न इनवर्ड्स, यहां परचेज रिटर्न रिटर्न आउट। अब इसके अतिरिक्त और क्या आएगा यहां पे, सिर्फ माइंड को सेट कर लीजिए, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट किसे कहते हैं, वो एक्सपेंसेस जो सीधे माल से बेचने और खरीदने से रिलेट होंगे उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और दोज एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी भी इधर नहीं आएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो देखिए कौन कौन सी हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू वेजेस, और ध्यान रखना वेजेस एंड सैलरी है तो भी यही आएगी, लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस है तो फिर यहां नहीं आएगी। सैलरी अगर पीछे है वेजेस के तो आएगी यहां पर, अगर आगे है सैलरी तो ये नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी मैंने कहा था कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहां आएगा। ओके, अब थोड़ा सा बोर्ड में देखिए इसको, और फिर आगे मैं इधर वाले खर्चे लिखूंगा केवल। नेक्स्ट एक वर्ड है कैरेज, कैरेज माने भाड़ा होता है, कैरेज हो वो भी, कैरेज इनवर्ड, ध्यान रखना इनवर्ड ना कि आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड यहाँ आएगा, कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल में आएगा। कैरेज ऑन परचेज यहाँ आएगा, कैरीज ऑन सेल्स पी एंड एल में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कैरीज के रिगार्डिंग में आपको बता दिया गया है। उसके बाद गैस फ्यूल एंड पावर, गैस फ्यूल एंड पावर, एक वर्ड है फ्रेट, ये फ्रेट भी भाड़ा ही होता है, फ्रेट भी यहीं आएगा। तो फ्रेट कोई भी भाड़ा, चाहे कैरीज हो इनवर्ड, कैरीज ऑन परचेज, गैस फ्यूल एंड पावर, कोल गैस एंड वाटर कह दो तब भी यही आएगा, फ्रेट एंड कार्टेज, एक वर्ड फ्रेट के साथ कार्टेज भी होता है, कार्टेज अगर अलग से है तब भी, और फ्रेट एंड कार्टेज है तब भी यहीं पर आएगा। ओके चलो जी, नेक्स्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो भी यहीं आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, टू फैक्ट्री, क्योंकि माल फैक्ट्री में बन रहा है तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस जस्ट लाइक इट लाइट हो उसकी, चाहे उसके अंदर आप लाइट लगा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, चाहे फैक्ट्री का रेंट हो, बोथ आर हेयर, अर्थात फैक्ट्री के रिगार्डिंग में। उसके बाद हमारे आ रहे हैं डॉक चार्जेस एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। डॉक चार्जेस इस बंदरगाह, आपने सुना होगा डॉक मीन्स बंदरगाह होती है, और बंदरगाह से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो आएंगे। देखो एक ड्यूटी होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट यहाँ आएगा, इम्पोर्ट क्यों आ रहा है, इम्पोर्ट माने आना, एक्सपोर्ट माने जाना, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पी एंड एल में आएगी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी वो यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट जिसे कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं, रॉयल्टी, इम्पोर्ट ड्यूटी जस्ट लाइक द कस्टम ड्यूटी, और नेक्स्ट है रॉयल्टी। उसके बाद ये साइड ज़्यादा है तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था फॉर्मेट हमारा रिगार्डिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार फिर मैं रिपीटेशन मोड पे डाल रहा हूँ आपको इस फॉर्मेट के रिगार्डिंग, और फिर एक क्वेश्चन हम लेके चलेंगे।
इनको थोड़ा सा मीनिंग भी बता देता हूँ कि क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण करना, और निर्माण माल बनाया जाता है। फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस होगा रिगार्डिंग, और फैक्ट्री की लाइट हो, फैक्ट्री का रेंट हो। डॉक चार्जेस बंदरगाह पर जाने, बंदरगाह पर माल हमारा आता जाता रहता है तो उसके जो भी खर्चे ये क्लियरिंग चार्जेस देते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी आने का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आएगा, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं। रॉयल्टी क्या है, देखिए रॉयल्टी का मीनिंग क्या है। रॉयल्टी क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी कोई भी वस्तु का जो अधिकार है वो दूसरे व्यक्ति को देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक भूमि का टुकड़ा है और यहाँ पर ब्रिक्स बनाने, ईंटें बनती हैं, तो देखिए जो इस मिट्टी को उठाने का राइट जो आपने दे दिया और उसके बदले में जो आपको कीमत मिलेगी उसे रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी माने होता है अधिकार शुल्क, जो अधिकार आपने उस मिट्टी को उठाने, जैसे मान लेते हैं आपने कहा ये भूमि का टुकड़ा आपके पास है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो नाप कर कितने 2 फुट गहराई की मिट्टी उठाई जाएगी और उसके बदले में आपको 1,00,000 रुपये मिलेगा। दिस वर्ड इज द रॉयल्टी। तो ये था रॉयल्टी के रिगार्डिंग में, रॉयल्टी क्या होता है। तो ये फॉर्मेट आपके सामने मैंने बताया, अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए जी इलेशन नंबर फर्स्ट। जैसे जैसे मैं आएगा मैं आपको बताता भी रहूँगा कि किस प्रकार से कौन सी आइटम डेबिट में। आपने पढ़ने के बाद ये तो रियलाइज़ किया है कि ज़्यादातर हमारी आइटम्स डेबिट में आई है, क्रेडिट में केवल 2 ही वर्ड आए थे, या तो आया था सेल्स आया था या क्लोजिंग स्टॉक, या फिर एक और भी आ सकता है, वो तब हो सकता है जब हमारे खर्चे ज़्यादा हों और इनकम कम होगी, उस अवस्था में हमें लॉस हो सकता है। देखो ये तो अंडरस्टूड है, प्रॉफिट और लॉस का सीधा सा फंडा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, अगर सेल हमारी ज़्यादा है कॉस्ट कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, और यदि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और सेल्स कम होगी तो उस अवस्था में हमें लॉस मिल सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम इलेशन नंबर फर्स्ट। क्या बनवा रखा है पहले देखिए प्लीज। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो मैंने फॉर्मेट में पहले ही बताया था डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिस तारीख को भी आप बना रहे हैं 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। ओके, चलो 31 मार्च 2019 को आपने ये बनाया है फॉर्मेट। अब हम चलते हैं क्या क्या आइटम हैं जो आपके, फिर आप फॉर्मेट ये बनाते हैं ऐसे। अभी फॉर्मेट मैंने बना के आपको बताया भी था, चलो जी ये फॉर्मेट का रिगार्डिंग में। दिस साइड इज द डेबिट एंड दिस इज द क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज एंड पर्टिकुलर्स विवरण अमाउंट इन रुपीज। तो ये साइड थी आपकी डेबिट, तो वो साइड क्रेडिट है। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। जितनी भी इनकम होगी हमें गेन होगा वो यहाँ आएगा, जितना भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ आएंगे। डेबिट साइड में आप खुद कहते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 2,00,000 रुपए। दो लाख का ओपनिंग स्टॉक है। परचेज, आप देखें क्या परचेज रिटर्न भी है, टू परचेज 10,00,000 लेस परचेज रिटर्न 60,000 घटाने के बाद 9,40,000। तो दिस इज अमाउंट रिगार्डिंग ओ परचेज। अब सेल दे रखी है तो इधर बाई सेल कितने दे रखी, सेल दे रखी हमें 25,00,000। लेस एस आर सेल्स रिटर्न
और वो दे रखी है आपको 1,00,000 रुपये, तो हमारे पास आगा 24 लाख 24 लाख रुपए। आगे चलिए, फ्रेट मैंने अभी बताया था भाड़ा। डियर स्टूडेंट्स, FREIGHT फ्रेट मैंने भाड़ा, और भाड़ा कितना है आपका 32,500। नेक्स्ट वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, वेजेस कितनी है 1,50,000 54,000। ओके, यहाँ तक। अब फिर दोबारा घूमा, फिर वहीं लेके आते हैं आपको। 54,000 तक हमने कर लिया था, उसके बाद कोल गैस एंड वाटर, टू कोल गैस एंड वाटर 11,000 रुपये। उसके बाद है हमारा परचेज रिटर्न हो चुका, सेल्स रिटर्न हो गया। कैरीज ऑन परचेज, मैंने कहा था कैरीज ऑन परचेज यहाँ आएगा, और कैरीज ऑन सेल कहाँ आएगा, पी एंड एल के अंदर। कैरीज ऑन परचेज हमारा 40,000 40,000, उसके बाद सेल नहीं आएगा। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का जितना भी खर्चा है वो सारा आएगा, ऑफिस नहीं आएगा। ऑफिस के जितने रिगार्डिंग होंगे वो पी एंड एल में आएंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। 2,20,000। चलो जी, हमने इनका टोटल करना है। टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल हमारे पास आ रहा है 27। देखो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बाहर दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में दे रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है दिस इज द 3 लैक्स। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो यहाँ नहीं आएगा, आइदर ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा 99.99%, 27 लाख। उसमें सारे खर्चे लेस कर देंगे, इधर ज़्यादा है तो लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये ज़्यादा है तो बाय ग्रोस लॉस होगा, और वो दे रखे है आपको 10,52,500, और ये 27 लाख। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत ही चित्र समझ में आया होगा। अब चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ, आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क जो होगा, सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट का, फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इन द प्रैक्टिस नोटबुक, आल्सो इन द फेयर नोटबुक। दूसरा इलेक्शन नंबर फर्स्ट, ये करना है आपने प्रैक्टिस नोटबुक में, और एक्सरसाइज रिगार्डिंग आल्सो फर्स्ट क्वेश्चन इन द फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय, हैव अ गुड डे।